जिस चीज़ के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ वो सुनकर के आपको लगेगा कि इंदौर कृषि क्षेत्र में समृद्ध हो रहा है। ये जो नया हॉल बना है, ऑडिटोरियम जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसा वास्तु है कि जिसके मुकाबले का इंदौर में कोई नहीं है। यूँ तो इंदौर में हॉल की कमी नहीं है, 80 कुर्सियों और सुविधा वाले हॉल से लगा करके 1100 कुर्सियों वाला हॉल इंदौर में है, पर वो हॉल सब पुराने हो चुके हैं। पुराने इस माने में कि जो नई साधन, नए तरीके, नई कोशिशें, नई रुचियां आई हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो टेबल टेनिस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, यूँ तो उसका काम खेलों को आगे बढ़ाने का है, पर जब खेलों की बात आती है तो खेलों के साथ साथ एक सभा कक्ष, ऐसा हॉल, एक ऐसा मंडप जिसमें लोग बैठ कर के अपनी बातचीत कर सकें, सुन सकें, बहस कर सकें, इस बात को ध्यान में रख कर के टेबल टेनिस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, टेबल टेनिस ने यह तय किया कि एक ऐसा हॉल बनाया जाएगा। सरकार ने हमको टेबल टेनिस को विकसित करने के लिए एक भूमि दी थी, वो भूमि यूँ तो सरकार के हक में है, पर सरकार ने करीब करीब इस तरीके से दी है कि वो सारी भूमि हमें कम से कम 100 वर्ष तक काम में आए। उसी भूमि पर, इसी ज़मीन पर एक हॉल बना है। इसकी विशेषता ये है कि भवन के चौथी मंजिल पर हॉल है, उसमें करीब 1000 कुर्सियाँ बैठने वालों के लिए लगाई गई है, 1500 के करीब स्थान है, और उसको आज हम सारा हो जाने के बाद जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि उस हॉल के निर्माण में कुछ कमी तो नहीं रह गई। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको विधिवत पूजा पाठ करके, पूजा पाठ पहले कर सके हैं, पर इसका इसमें नाम देने के लिए विधिवत हम इसकी घोषणा करेंगे। आज से यह हॉल इंदौर को समर्पित है।